हर जगह सोशल मीडिया पे न्यूज़पेपर्स में देख रहा हूँ कि भारत की कंजम्पशन स्टोरी काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो इस पे आपके क्या एक्चुअली विचार है? आदित्य, मैं सबसे पहले आपको कंजम्पशन बाजार के बारे में बात करना चाहूंगा कि इंडिया की कंजम्पशन की मार्केट कितनी बड़ी है। हम सब जानते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे तेज या फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और अगर हम इंडिया की जीडीपी की बात करें तो इंडिया की जीडीपी लगभग 3.4 ट्रिलियन US डॉलर्स है, और उसमें लगभग 60% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कंजम्पशन का है। इसका मतलब है लगभग 2.1 ट्रिलियन या 2.1 ट्रिलियन US डॉलर्स की इंडिया की कंजम्पशन मार्केट है। यूबीएस का एक रिपोर्ट है आदित्य, जिसमें ये बताया गया कि 2026 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंजम्पशन का मार्केट बनेगा। वैल्यू टर्म्स में हम बात करें तो 2030 में यही रिपोर्ट बताता है कि लगभग भारत की कंजम्पशन की बाजार 4 ट्रिलियन US डॉलर की हो सकती है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा बाजार कंजम्पशन का मार्केट है और कितने तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता है, चांसेस है। सर, तो इस हिसाब से आप बोलना चाह रहे हैं कि कंजम्पशन का एक अलग पैटर्न है, क्योंकि आजकल मैं क्या देख रहा हूँ कि लोग ऑर्डर फूड ऑर्डर करने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं एज कम्पेयर टू घर पे बनाए हुए खाने पे। बिल्कुल। तो आदित्य बिल्कुल सही, अगर हम देखेंगे पिछले कुछ दशक की अगर हम देखें तो भारत की जो कंजम्पशन की पैटर्न है वो काफी ड्रास्टिकली चेंज हुई है, ड्रामेटिकली चेंज हुआ है। मैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स लेता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे इसको। तो अगर हम 1980-90 की दशक देखें, उस वक्त ज्यादा करके जो हाउस होल्ड थे भारत में उनका मकसद यही था कि नॉर्मली हम यही बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो मकसद ये था कि क्या हमें 2 या 3 वक्त का रोटी मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। कपड़े, अगर हम कपड़े की हम बात करें तो बहुत सिंपल कपड़े होते थे, ब्रांडेड कपड़े बहुत ज्यादा लोग नहीं पहनते थे। साथ ही साथ आप देखोगे कपड़े ज्यादा करके लोग सिलवाते थे। मकान की हम बात करें तो लोगों का यही ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था कि हमारे सर के ऊपर एक छत होना चाहिए, एक रूफ होना चाहिए। तो एक घर बहुत सिंपल 1 बेडरूम अपार्टमेंट टाइप होती थी, घर के अंदर फर्निशिंग फिटिंग्स बहुत ही सिंपल होते थे, सिंपल ट्यूबलाइट फैन यही होता था। बहुत कम लोगों के घर में रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन या एसी होती थी उस जमाने में। फास्ट फॉरवर्ड करेंगे 2024 में हम देख रहे हैं कि काफी ड्रास्टिकली इन चीजों पे हमने चेंज लाया है। अगर हम रोटी की बात करें तो रोटी सिर्फ घर पे बनाई हुई खाना नहीं है, उस जमाने में लोग ज्यादा करके घर पे बनाई हुई रोटी खाते थे, रेस्टोरेंट वगैरह में जाना बहुत रेयर हुआ करता था। सर वो आज भी रहे हैं वैसे तो, बट नहीं, आज जमाना काफी चेंज हो गया आदित्य। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कुछ क्विक कॉमर्स की बिजनेसेस आप देखोगे कि किस तेजी से पिछले कुछ सालों में इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया है, कहीं ना कहीं ये पॉइंट आउट कर रहा है कि लोगों ने बाहर खाना ज्यादा प्रिफर करना स्टार्ट किया है। तो ईटिंग आउट या डाइनिंग आउट अब ये एक नॉर्मल सा हो गया हमारे जीवन में, जो एक जमाने में शायद लग्जरी होती थी। साथ ही साथ अगर हम कपड़े की बात करें तो ब्रांडेड कपड़े लोगों ने पहनना स्टार्ट किया है। आप देख सकते हो कि दुनिया के जितने भी फैशनेबल ट्रेंड्स हैं, लग्जरी फैशन है, वो सब आज भारत में अवेलेबल है, जिसके कारण लोगों ने उनको यूज करना स्टार्ट किया है। मकान की हम बात करें तो एक जमाने में लोग सिंपल, जैसे मैंने बताया, सिंपल 1 बेड अपार्टमेंट में रहना प्रेफर करते थे, स्टैंड अलोन सोसाइटी होती थी। लेकिन आज ज्यादा करके लोग ऐसे सोसाइटी प्रेफर करते हैं जहां पर लग्जरी चीजें हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, क्लब हाउस, ये सब होना अभी मैंडेटरी हो गया। तो लोग बड़े घर प्रेफर कर रहे हैं, लग्जरी वाले घर प्रेफर कर रहे हैं, और घर के अंदर आप देखोगे फिटिंग्स फिक्स्चर्स वगैरह भी आप देखोगे काफी मॉडर्न वाले फिटिंग्स आज लोगों ने फिट करना स्टार्ट किया है। वो पंखा हो या ट्यूबलाइट हो, आप देख सकते हो किस तरीके से लाइटिंग में भी आप देखो, पंखों में भी आप देखोगे कि बहुत अलग वेराइटी ऑफ पंखे और लाइट्स आज अवेलेबल है, और लोग आज लग्जरी वाली चीजों को घर पे फिट करना पसंद कर रहे हैं। तो कंजम्पशन की बिहेवियर काफी ड्रामेटिकली चेंज हुई है, पैटर्न बड़ा चेंज हुआ है, और ये काफी हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा है कि इंडिया की कंजम्पशन की कहानी किस तरीके से आगे बढ़ सकती है। सर, मैं सोच रहा था काफी टाइम से कि जो आपने बताया अभी एट टर्म्स की लग्जरी मार्केट काफी चेंज हुआ है या कंजम्पशन मार्केट चेंज हुआ है, मैं जानना चाह रहा था कि फैक्टर्स ऐसे क्या है जो एक्चुअल में इंडिया में कंजम्पशन मार्केट चेंज कर रहा है। बहुत अच्छा सवाल है आदित्य, और ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वजह है जिसके कारण भारत की कंजम्पशन की कहानी इतने एग्रेसिवली बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। तो कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला है कि अगर हम देखें जो इनकम है, जैसे मैंने 1980-90 के दशक की बात की, उस वक्त काफी जो हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे, देवर अर्निंग वो कमा रहे थे उस वक्त,
और उनके सैलरीज बहुत लिमिटेड थे, इनकम बहुत लिमिटेड थी. इनकम लिमिटेड होने के साथ साथ जो ऑप्शंस हमारे पास थे वो भी बहुत लिमिटेड थी. एंटरटेनमेंट की आप बात करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास दूरदर्शन था, बहुत लिमिटेड चैनल्स अवेलेबल थे, रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा नहीं थे, तो आपके पास ऑप्शन भी बहुत लिमिटेड थी कि आप पैसे कहाँ खर्च करोगे. तो दो चीजें थी, एक आपकी इनकम भी कम थी, साथ ही साथ आपको खर्च करने के ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड थे. तो ज्यादा करके जो पैसा खर्च होता था वो फूड पे हम खर्च करते थे उस जमाने में. आज के जमाने में हो क्या रहा है कि आपके पास ऑप्शन बहुत है, सैलरी और इनकम काफी तेजी से बढ़ा है इंडिया में. तो आज लोग अगर 5 डिजिट या 6 डिजिट की सैलरी कमा रहे हैं तो उनका कंजम्पशन पैटर्न बहुत ड्रामेटिकली चेंज होता है. बिकॉज जैसी आपकी तनख्वाह बढ़ती है, इनकम बढ़ता है, आपकी एबिलिटी भी बढ़ जाती है कि आप नए नए चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हो, उनकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आप ट्राई करना चाहते हो. तो ये इंडिया में भी हुआ है और आगे और तेजी से होगा कि इनकम तेजी से बढ़ रही है. इनफैक्ट अगर हम मिक्स देखें, हाउस होल्ड की हम मिक्स करें इन टर्म्स ऑफ इनकम, तो हम ये देख रहे हैं कि जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ दी हाउस होल्ड थे, जो लेस देन 3 लाख साल की कमाते थे, वहां की जो काउंट ऑफ हाउस होल्ड है वो बहुत तेजी से घट रही है. और अपर मिडिल वाली जो सेगमेंट है, जो 6 से 30 लाख की इनकम कमाती है साल की, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है. तो शिफ्ट इसके कारण हो रहा है कि जो लोग सडनली बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगे हैं वो नए नए चीजों को आजमाना चाहते हैं. तो जो राइज इन कैपिटल इनकम बोल रहे हैं हम, वो उसके कारण आप देखोगे कि कंजम्पशन इंडिया में बढ़ रही है. दूसरा जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है अपनी डेमोग्राफी. अगर हम डेमोग्राफी की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो हम सब जानते हैं कि भारत आज दुनिया का सबसे पॉपुलिस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है. 144 करोड़ से ज्यादा आबादी है इंडिया में. उसमें हो क्या रहा है कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग 68% ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग एज पॉपुलेशन. वर्किंग एज पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या है, 15 से 64 साल के बीच वाले लोग, इनको वर्किंग एज पॉपुलेशन माना जाता है. और भारत में ये 68% है. साथ ही साथ भारत में लगभग 60 करोड़ जनता है जो मिलेनियल और जेन जी वाली पॉपुलेशन है. तो आदित्य, मेरे ख्याल से आप तो जेन जी होंगे. यस, मैं जेन जी. तो आपकी पॉपुलेशन भारत में लगभग 37 करोड़ है, मिलेनियल वाले 23 है, तो कुल मिला के 60 करोड़ जनता है जो जेन जी और मिलेनियल पॉपुलेशन है. अब इसका ताकत क्या है? अगर हम जनरली बात करें, कोई भी इंसान जो सर्विस में इंडस्ट्री में होता है उसकी जो पीक कमाने की पीरियड होती है वो 45 टू 55 होती है. तो अगर हम मिलेनियल की बात करें, और अगर हम ओल्डेस्ट मिलेनियल की हम बात करें, जो 1980-81 का बॉर्न है, उसकी भी उम्र आज लगभग अगर आप देखोगे इज क्लोज टू अबाउट 45 to 50 years. उनके पास भी अभी अर्निंग के अंदर 5-10 years बचे हुए हैं. अगर हम यंगेस्ट मिलेनियल की बात करें, 96-97 बॉर्न, वो तो अभी सिर्फ 28 साल का है, तो उसके पास क्लियरली 25-30 साल की अर्निंग कैपेसिटी है. तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है इंडिया के लिए, जो पॉपुलेशन के माध्यम से हमारी कंजम्पशन को ड्राइव करेगा. साथ ही साथ जो मिलेनियल का सेगमेंट है आदित्य, एंड जो जेन जी वाला सेगमेंट है, मैं आपको एक क्लासिक डिफरेंस बताना चाहता हूँ. जैसे हम लोग जब कोई भी चीज खरीदना चाहते थे तो हम अपने पेरेंट्स को पूछते थे ये खरीदें कि नहीं खरीदें, वो काफी हद तक डिसाइड करते थे कि आपको क्या कंज्यूम करना है. लेकिन आप लोगों की जो पॉपुलेशन है, जेंजी वाली पॉपुलेशन आदित्य, मैंने एक स्टडी में पढ़ा था, एंड यू कैन करेक्ट मी, कि आप लोग ज्यादा करके मोबाइल के माध्यम से डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है. सही है सर. आजकल इन्फ्लुएंसर्स के जमाने हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप तय कर लेते हो कि आपको कहाँ घूमने जाना है, क्या कपड़े पहनने वगैरह, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो काफी हद तक आप देखोगे कंजम्पशन का जो पैटर्न है और बिहेवियर, ये पॉपुलेशन के कारण भी बदल रहा है. तीसरा जो पॉइंट है वो है अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन का मतलब क्या आदित्य, कि मान के चलिए आज कोई इंडिविजुअल है जो गांव में है, भारत के गांव में है, और ज्यादा करके हमने देखा कि लोग माइग्रेट होके सिटीज या मेजर टाउन्स में जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए या जॉब की खोज में. तो जब आप शिफ्ट होते हो, तो मान के चलिए आप एक विलेज में थे, आप सडनली मुंबई जैसी शहर में आ जाते हो, आपका कंजम्पशन बदल जाता है. क्यों बदल जाता है? बिकॉज जब आप गांव में थे आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड थी, खर्च करने के लिए भी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे, तो आपकी फोकस थी कि आप रोटी कपड़ा पे ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करोगे. जैसे आप मुंबई जैसे शहर में आते हो, आपको समझ में आता है कि यहाँ पे तो मॉल्स हैं, होटल्स हैं, बड़ी बड़ी होटल्स हैं, और ई कॉमर्स की सुविधाएं हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की सुविधाएं हैं, तो आप धीरे धीरे उन सब चीजों को अपनाना स्टार्ट करते हो जो शायद आप गाँव में कभी नहीं करते.
सडनली आपकी कंजम्पशन की बिहेवियर बदल जाती है जैसे ही आप विलेज से टाउन या सिटीज की तरफ शिफ्ट होते हैं। इसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। सो इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ये कुछ रीजन है आदित्य जिसके कारण ये कंजम्पशन की कहानी इंडिया में काफी स्ट्रांग है और उम्मीद है कि अगले कुछ दशकों के लिए ये काफी स्ट्रांग बना देगा। सर, तो जेन जी और मिलेनियल दोनों के तरफ से प्लस मैं सोच रहा था इस बारे में कि यस, मेरे और मेरे काफी दोस्त है जिन्होंने अभी एमबीए कंप्लीट किया है, हम नए नए जॉब पे लगे हुए हैं, हम एज एन इन्वेस्टर कैसे साथ दे सकते हैं इस ग्रोथ स्टोरी में कंजम्पशन के? ओके, तो इसमें भाग लेने के हिसाब से अगर आप पूछ रहे हो, पार्टिसिपेट करने के हिसाब से आप पूछ रहे हो, तो एक अच्छी न्यूज है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक्सिस कंजम्पशन फंड लॉन्च कर रहे हैं वो 23 अगस्त को, और ये एनएफओ खुला देगा 6 सितंबर 2024 तक, जहाँ पे जो आप जैसे इन्वेस्टर्स हैं जो इस कंजम्पशन की स्टोरी में भाग लेना चाहते हो आप इस फंड के माध्यम से भाग ले सकते हो। क्योंकि ये एनएफओ है तो इसमें यूनिट्स आपको ₹10 में दिया जाएगा। सो एक्सिस कंजम्पशन फंड में ऐसे कौन से की सेक्टर्स है जो इंक्लूडेड है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आदित्य कि ये एक थीमेटिक फंड है, और जब हम थीमेटिक फंड की बात करते हैं तो इसमें गाइडलाइन होता है कि ₹100 में से कम ₹80 आपको उस स्पेसिफिक थीम में लगाने पड़ने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सिस कंजम्पशन फंड की बात कर रहे हैं, कंजम्पशन एक थीम है, तो कंजम्पशन के थीम में ₹80 मिनिमम लगाना पड़ेगा फंड मैनेजर को। अब आपका सवाल है कि इसमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आदित्य मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। yes, ये बताइए कि आप दिन की जब शुरुआत करते हैं रात तक आप क्या क्या एक्टिविटीज बेसिकली करते हैं? आप और मैं जो एक्टिविटीज करते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सर, सुबह उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, देन उसके बाद फिर मैं रेडी होता हूँ तो मैं अपने फॉर्मल क्लोथ्स या फिर जो भी है ऑफिस के लिए, देन मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, देन आई टेक माई कार, राइट, और सबसे सर मैं ट्रैवल करके यहाँ पे आता हूँ। बिल्कुल। उसके बाद सर जो रोजी रोटी जो भी जैसे थी वैसे। एब्सोल्युटली, तो वही चीजें आपको इस कंजम्पशन फंड में भी मिलेगा आदित्य। जैसे आपने बोला दिन की शुरुआत आप ब्रशिंग या स्नान करने से करते, तो कहीं ना कहीं हम एफएमसीजी सेक्टर के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप ऑफिस जाते हो तो कपड़े पहनते हो, तो आप रिटेल एपरल इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करते हो। आपके पास स्मार्टफोन होगा, यस सर, उसमें आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज किसी ना किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल करते होंगे। आप गाड़ी में जाते हो, आपने बताया फोर व्हीलर, तो आप ऑटो सेक्टर का भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो अगर आप देखोगे जो अपनी निजी लाइफ है, डेली लाइफ में हम इतने सब जो भी चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके कंजम्पशन के थीम में फिट होता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया एफएमसीजी सेक्टर आ गया, आपका रिटेल आ गया, आपकी ऑटो वाली सेक्टर आ गई, रियल्टी आ गई, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज आ गया, हेल्थ केयर, ऐसे कुछ सेक्टर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आ गए हैं, सबके घरों में एसी वॉशिंग मशीन होगा तो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली सेगमेंट भी इसमें एज पार्ट ऑफ दी सेक्टर होगा। सर, तो एक्सिस कंजम्पशन फंड में एक्चुअली इन्वेस्ट करने के कुछ रिस्क है, और अगर है तो इसको कैसे कम करा जा सकता है? आदित्य, कोई भी थीमेटिक फंड में रिस्क होता है, तो इस फंड में भी रिस्क है। रिस्क क्या हो सकती है कि बाजार का रिस्क है, कि बाजार की उतार चढ़ाव हो सकती है जिसके कारण इन्वेस्टर को शायद नुकसान हो सकता है। दूसरा जो रिस्क है ये स्पेसिफिक है इस थीम को लेकर। हमने कंजम्पशन की स्टोरी बताई कि इंडिया में किस तरीके से बढ़ सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा ये हो सकता है कि आदित्य कंजम्पशन के पैटर्न दोबारा बदल जाए, बिहेवियर बदल जाए, साथ ही साथ कुछ रेगुलेटरी चेंजेस के कारण, जैसे मान के चलिए कि आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो ब्याज के दर को बढ़ा देता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना कंजम्पशन के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे कुछ चीजों के कारण आपको शायद इसमें परफॉर्मेंस में भी आपको उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, और ये कोई भी इक्विटी फंड में आपको देखने मिलता है। इसको कम कैसे करें या मिटिगेट कैसे करें, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहला ये है, चूंकि ये थीमेटिक फंड है तो हम हमेशा यही सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टर को कि आप ₹100 में से ज्यादा 15 या 20 रुपए इस फंड में लगाएं। ओके, तो आपने उधर कैपिंग कर दी। साथ ही साथ बिकॉज ये इकोनॉमिक साइकिल्स के साथ कनेक्टेड है और इकोनॉमी कभी ऊपर कभी नीचे हो सकती है, तो आप आपके इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन को बढ़ा दीजिए। और हम ये सजेस्ट करते हैं कि इस फंड में जो भी निवेशक आए वो कम से कम 5 साल की इन्वेस्टमेंट पीरियड के हिसाब से इसमें निवेश करें।
सो सर आपने कंजम्पशन के बारे में बताया, कंजम्पशन के कितने सेक्टर्स इंक्लूडेड है उसके बारे में बताया, कंजम्पशन एज अ थीम के बारे में कोई डेटा बता सकते हैं आप? परफॉर्मेंस के बारे में पूछ रहे हो सर? यस सर। तो आदित्य इसमें ना एक निफ्टी की इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स, इसका डेटा हमारे पास है जिसको हमने निफ्टी 500 के साथ कंपेयर किया। सो निफ्टी 500 भी एक इंडेक्स है। ओके। हमने 2007 दिसंबर से लेके 2023 दिसंबर तक का स्टडी किया है और हमने ये पाया कि जो 17 साल की टाइम पीरियड है उसमें से लगभग 12 साल निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स ने निफ्टी 500 के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। ओके। इस पे कुछ एक्चुअल एग्जांपल्स बता सकते हैं सर? वो तो डेटा में आपको दिख जाएगा आदित्य, लेकिन इम्पोर्टेंट एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमने बाजार में, हम सब जानते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव होता है, तो जब बाजार में हमने करेक्शन देखी है, फॉल देखा है, उसमें भी हमने ये पाया कि निफ्टी की जो कंजम्पशन इंडेक्स है उसने निफ्टी 500 के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो सर इसमें कुछ और डिटेल्स बता सकते हो मुझे? बिल्कुल आदित्य, अगर हम 2007 से 2023 की बात करें, हमने दो बड़े करेक्शन देखे हैं। एक हमने 2008-09 में देखा था जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, और हाल ही में 4 साल पहले हमने कोविड का भी एपिसोड देखा है। इन दोनों जो बड़े मार्केट करेक्शन हमने देखे हैं उसमें भी हमने यही देखा है कि कंजम्पशन का जो इंडेक्स है वो निफ्टी 500 के कंपैरिजन में कम गिरा है। तो इसको हम बोलते हैं डाउनसाइड प्रोटेक्शन। तो जब इन्वेस्टर इस फंड में आता है पोटेंशियली उसको निफ्टी 500 के कंपैरिजन में हिस्टोरिकली हम देखें तो परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ अच्छा मिला है, साथ ही साथ जब बाजार में करेक्शन आया है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड है, यानी कि वो कम गिरेगा एज कम्पेयर टू निफ्टी 500, ऐसा डेटा हमें बताता है। सर एज एन इन्वेस्टर बिफोर पैंडमिक और आफ्टर पैंडमिक जो पूरा कोविड एरा था, क्या इसमें एक्चुअली कंजम्पशन का मार्केट या बिहेवियर इंडिया में चेंज हुआ है या ये सिमिलर ही रहा है? बिल्कुल चेंज हुआ है आदित्य, इनफैक्ट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप याद करेंगे कोविड के पहले आप और मैं जो भी ट्रांजैक्शंस करते थे वो फिजिकली होता था और हम कैश की पेमेंट्स करते थे, राइट? करेक्ट सर। कोविड ने हमें आदत डाल दी घर बैठे बैठे चीजों को ऑर्डर करना, वो मजबूरी थी उस वक्त, लेकिन वो कहीं ना कहीं भी हमारी आदत बन चुकी है। आज ये जो बड़ा पैटर्न हमको शिफ्ट देखने मिल रहा है वो ये है कि जहाँ फिजिकली, तो एग्जाम्पल हम लेते किराना स्टोर जाते थे, वो तो कोविड के पहले काफी साल पहले हम जाते थे किराना स्टोर में, जाते थे पर्ची ले जाते थे और हम सामान की लिस्ट देते थे उसको, तो सामान वो पैक करके देता था, हम कैश दे के ले आते थे। आज कोविड के बाद आदत ये होगी आप घर बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से जो चीजें आपको ऑर्डर करनी है आप बटन क्लिक करके ऑर्डर कर लेते हो, पेमेंट भी आपकी डिजिटल हो जाती है और आपके घर पे सामान आ जाता है। तो ये एक बड़ा शिफ्ट हमने देखा है। साथ ही साथ इसी को अगर मैं आगे कनेक्ट करूं, कोविड के कारण जो डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है इंडिया में वो भी तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटलाइजेशन से होता क्या है, भारत आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन कंज्यूमर है, 50% से ज्यादा भारतीयों के पास आज स्मार्टफोन है। साथ ही साथ अब डेटा की अवेलेबिलिटी बढ़ चुकी है, काफी जगह आप देखोगे काफी विलेजेस में भी आज, गांवों में भी आज इंटरनेट की फैसिलिटी और सुविधाएं आ चुकी है। डेटा की हम बात करें तो दुनिया में वन ऑफ द लोवेस्ट डेटा कॉस्ट भारत में है। तो ये डबल कॉम्बिनेशन है, स्मार्टफोन और डेटा, ये दोनों की पेनिट्रेशन जितनी तेजी से बढ़ेगी आप देखेंगे कि जो गांव खेड़े में भी लोग हैं, विलेजेस में हैं, टाउन्स में हैं, वो लोग भी घर बैठे बैठे चीजों को खरीद सकते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल जैसे मैंने आगे वाले एग्जांपल में दिया था कि कोई मुंबई शिफ्ट होता है तो उसकी पैटर्न बदल जाती है कंजम्पशन की, लेकिन अगर कोई गाँव में है आज और वहां पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा इन टर्म्स ऑफ डेटा अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, स्मार्टफोन भी है, उसके पास भी एक्सेस है कि वो कुछ क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकता है जो शायद फिजिकल दुनिया में वो नहीं कर पाता। तो ये बड़ा शिफ्ट हमको डिजिटलाइजेशन के कारण देखने मिला है। एक और चीज इंटरेस्टिंग जो हुई है इंडिया में वो ये है कि इसको हम बोलते हैं इजी क्रेडिट। ये जरूरी नहीं है कि हम कोविड के बाद ही, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने इसको काफी तेजी से बढ़ते हुए देखा। इजी क्रेडिट का क्या मतलब है आदित्य? अगेन मैं थोड़ा 1980-90 की दशक में जाऊं तो मान के चलिए हमारे घर पे हमको फ्रिज खरीदनी थी, तो फ्रिज खरीदनी होती थी तो हम क्या करते थे, उस वक्त एडवर्टाइजमेंट भी बहुत लिमिटेड थी, आपके पास टीवी का एडवर्टाइजमेंट था या प्रिंट मीडिया का एडवर्टाइजमेंट था, तो आपने मान के चलिए उस एडवर्टाइजमेंट से आइडेंटिफाई किया कि मुझे ये पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ रेफ्रिजरेटर खरीदना है, फिर आप
लोकली कोई दुकान में जाते थे और मान के चलिए उस रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट 5000 रुपए थी उस वक्त, जब तक आपके पास 5000 रुपए कैश नहीं होते थे आप वो सामान नहीं ले पाते थे, बिकॉज क्रेडिट का जमाना नहीं था, कैश का जमाना था। आज क्या हो रहा है कि आपके पास सुविधाएं हैं, मोबाइल में आपको सब अवेलेबल है, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, आपके पास प्लास्टिक मनी भी है, क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, तो इसके कारण आप चीजों को ऑनलाइन मंगा सकते हो। दूसरा, हमने आगे वाली डिस्कशन में ये बात की कि इन्फ्लुएंसर्स का बड़ा रोल होता है आजकल डिसीजन मेकिंग में, तो आप काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाके किसी इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से आप समझ सकते हो कि कौन से ब्रांड ऑफ एसी या रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन आपको खरीदनी है। साथ ही साथ आपके पास प्लास्टिक मनी है तो इसको इजी क्रेडिट के माध्यम से आप इसको खरीद लेते हो। पहले लोग सोचते थे खरीदूं कि नहीं खरीदूं, लेकिन आज हम खरीद लेते हैं, उसके बाद क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हम बाद में कर देते हैं। तो ये एक बड़ा शिफ्ट हमें देखने मिला है, स्पेशली आफ्टर कोविड। ओके सर, कॉफी तो पीजिए सर, तब नहीं आप पी लीजिएगा, मैं बाद में पी लूं। सर बाय द वे, ये कॉफी भी एक कंजम्पशन सेगमेंट का एक ये है मात्र? बिल्कुल है, तो लिस्टेड स्पेस में कंपनी अवेलेबल है जो कॉफी किस सेक्शन में है, तो जब आप कॉफी भी कंज्यूम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस कंजम्पशन के कंजम्पशन की कहानी में या स्टोरी में भाग लेते हैं। सर तो इस हिसाब से फिर कॉफी या फूड, या हम जब एयरपोर्ट पर जाते हैं या मॉल्स में जाते हैं, बिल्कुल, और हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम पार्ट हो रहे हैं इस चीज का। बिल्कुल आदित्य, वही मैं, हम निजी लाइफ में जो भी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं वो लिस्टेड स्पेस में अवेलेबल है, तो आप मान के चलिए आप इस कंजम्पशन फंड के माध्यम से इन सब चीजों में भाग ले रहे हो। सर सो इवेंचुअली पहले बोला जाता था, जब मैं मेरे दादाजी से बात करता था या जब मेरे मॉम डैड से बात करता था, तो वो बताते थे कि रोटी कपड़ा मकान यही आपकी बेसिक एमिनिटीज है, बट आज इसमें रोटी कपड़ा मकान गाड़ी मोबाइल इंटरनेट ये सारी चीजें हैं, तो इस चेंज ऑफ ट्रेंड को भी आप एक बिहेवियरल पैटर्न बोलेंगे कंजम्पशन के मार्ग? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया ना कि पहले सुविधाएं कम थी, जैसी सुविधाएं हमने उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, ये और इंडिया में तेजी से बढ़ेगा, बिकॉज और जो चीजें इंडिया में आएगी लोग उसको आसानी से एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे। ये बड़ा शिफ्ट हमने देखा है, पैटर्न ऑफ कंजम्पशन बिहेवियर लोगों की बहुत बदल चुकी है, तो ये बिल्कुल सही है कि इंडिया में ये ट्रेंड आया है और ये काफी कुछ दशकों के लिए ये चलता रहेगा। सो काफी इंटरेस्ट आ गया मुझे सेक्टर में, काफी थीम में, और मैं पूछना चाह रहा था कि एक्सिस कंजम्पशन फंड में किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए? तो पहले ये बताइए आदित्य, आप जो मैंने कंजम्पशन की स्टोरी आपको बताई, आप इससे सैटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो? यस सर, बिल्कुल, एज अ जेन जी तो मैं काफी सैटिस्फाइड हूं। बिल्कुल, तो आप ही जैसे जो निवेशक हैं जो कंजम्पशन की स्टोरी पे विश्वास करते हैं, भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी, हम काफी लोग काफी रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं कि भारत की इकोनॉमी $5 trillion की बनेगी, $7 trillion की बनेगी, तो इसमें कंजम्पशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। आज ऑलरेडी मैंने शुरुआत में बताई थी कि इंडिया के कंजम्पशन में 60%, इंडिया के GDP में 60% कंट्रीब्यूशन कंजम्पशन का है, तो आप जैसे निवेशक हैं जो कंजम्पशन पे विश्वास करते हैं और ऐसी ऐसी चीजें जो आप और मैं आंखों से देख सकते हैं, ये टेंजिबल चीजें हैं कि किस तरीके से कंजम्पशन बदला है इंडिया में, आप और मैं काफी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद 25-30 साल पहले हमें पता भी नहीं था, और हम शायद ये भी सोचते होंगे कि ये सब कभी हम खरीद भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये सब चीजें हम देख रहे हैं कि आप जैसे और मेरे जैसे लोग खरीदते जा रहे हैं, तो कंजम्पशन की कहानी बिल्कुल इंटैक्ट है, काफी तेजी से बढ़ेगी, और इसलिए जो भी निवेशक इस कंजम्पशन की थीम पे भरोसा रखते हैं और ये भरोसा रखते हैं कि भारत की इकोनॉमी आगे काफी तेजी से बढ़ेगी, ऐसे निवेशकों को इस फंड में पैसे लगाने चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये थीमेटिक फंड है और इसलिए निवेशकों को कम से कम 5 साल के टाइम इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड के हिसाब से इस फंड में निवेश करना चाहिए। तो सर हमारे इन्वेस्टर्स के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस पूरे कंजम्पशन थीम पे? जैसे हमने डिस्कस की, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दोबारा रिपीट कर देता हूँ आदित्य। सबसे पहले हमने बोली थी कि भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में है, और इसमें 60% का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंजम्पशन का है, तो हमने रीजंस भी देखे कि किस तरीके से भारत की आबादी डेमोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, इनकम बढ़ना, सैलरी बढ़ना, अर्बनाइजेशन का थीम, डिजिटलाइजेशन की हमने बात की, इन सब चीज़ों के कारण ये जो कंजम्पशन की पैटर्न है ये और तेजी से बढ़ेगी, कंजम्पशन बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ेगा, और इसी कंजम्पशन की स्टोरी में भाग लेने के लिए एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से एक
कंजम्पशन फंड जो 23 अगस्त 2024 से लेकर 6 सितंबर 2024 तक खुली रहेगी, और ये एनएफओ है तो यूनिट्स इन्वेस्टर को 10 रुपए में दी जाएंगी। सर थैंक यू हरीश सर, इवेंचुअली मेरे काफी डाउट्स है कंजम्पशन को लेके, एंड आपने वो सारी डाउट्स क्लियर किए। मैं आपको फिर से परेशान करूंगा इसी टॉपिक पे। सो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कीजिए इन एक्सिस कंजम्पशन फंड व्हिच स्टार्ट्स एट 23rd August and ends at 6th September 2024. In order to invest, you can download our app from Google Play Store or Apple App Store, or you can also log into our website, which is www.axismm.com. And for more interesting webinars and podcasts, tune it to our own YouTube channel and the other social media platforms. Till the time, stay tuned. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.